जय हिंद दोस्तों। स्टूडियो में बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड T20 मैच के बारे में जो खेला जाएगा वेस्ट पार्क स्टेडियम पे। तो स्टूडियो में आपको बताऊंगा हेड टू हेड मैचेस में क्या होता है। जब इस वेन्यू के ऊपर मैचेस हुए हैं वेस्ट पार्क स्टेडियम पे तो कौन से प्लेयर से जो परफॉर्मेंस दे गया आते हैं, आपको अपनी ड्रीम इलेवन टीम में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसको बनाना है, तो स्टूडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा, तो बने रहना भाइयों अंत तक। तो बिना देरी के आप प्रीव्यू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं ये मैच वेस्ट पार्क स्टेडियम विलिंगटन के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन सुबह के 11:30 बजे स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है क्योंकि यहाँ पे लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है फाइनल टीम्स आएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको करना क्या है, आपको अपने टेलीग्राम के अंदर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है @StatsGuruji। आप जैसे ही सर्च करते हो एक चैनल मिल जाएगी जिसके अंदर आपको करंटली 72,000 प्लस सब्सक्राइबर दिख जाएंगे। आपको नीचे ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करके दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, पर बहुत सारी फेक चैनल्स बनी हुई है, आप ये चैनल ले रहे हो इसके अंदर करीबन 5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स। दोस्तों ये फर्जी चैनल है, इसने फेक बोर्ड से ना टेलीग्राम के ऊपर सब्सक्राइबर्स पड़ा रखे हैं। तो आपको गलत जगह नहीं जुड़ना है दोस्तों, आपको सही चैनल से जुड़ना है जिसके अंदर बेहतर मतलब 72,000 के आसपास सब्सक्राइबर दिख जाएंगे। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करके दे दूंगा। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों किसकी पिच रिपोर्ट की, तो आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों इस वेन्यू के ऊपर ना लास्ट मैच कब हुआ था, 31 जनवरी 2020 के अंदर करीबन अपन कह सकते हैं 13 या 14 महीने पहले ना इस वेन्यू के ऊपर मैच हुआ था, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का हुआ था T20 मैच, ठीक है। उस मैच में दोस्तों अपन ने क्या देखा था क्या सीखा था मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। उस मैच की मैंने यहाँ पे हाईलाइट्स देखी थी, थोड़ी बहुत यहाँ पे मैंने ग्राउंड डायमेंशंस को समझा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट अपडेट क्या दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैच होगा ना न्यूजीलैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का, ये दोस्तों जस्ट होगा न्यूजीलैंड वुमन वर्सेस इंग्लैंड वुमन T20 के बाद। इसी वेन्यू के ऊपर आप समझ रहे हो ना, पहले यहाँ पे लड़कियों का मैचेस होगा वुमन्स का, उसके जस्ट बाद दोस्तों यहाँ पे मेंस का मैच होगा उसी वेन्यू के ऊपर। आई थिंक लड़कियों का मैच सुबह 7:30 या 6:30 बजे होगा, ठीक है, और लड़कों का होगा 11:30 बजे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ना सुबह वाले मैच में देखना है क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, पिच किस तरह से बिहेव कर रही है, क्या स्पिनर्स को मदद मिल रही है, ये सारी चीज़ें आपको समझना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कुछ फोटो ग्राउंड डायमेंशन को समझने के, ठीक है। एक फोटो जो मैं बड़ी मुश्किल से दोस्तों कहीं से निकाल के लाऊँ, मेरे को भी पता है किस तरह से निकली है, एकदम एग्जैक्ट अपन नहीं कह सकते ग्राउंड डायमेंशन से, ठीक है। ये देखो आप देख रहे हो यहाँ की स्क्वायर बाउंड्री ना जो 62 मीटर की, आप देख रहे हो यहाँ तक 62 मतलब 62 मीटर की बाउंड्री यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज को अपन कहते हैं, और सामने वाली बाउंड्री है ना दोस्तों वो आपको दिखेगी लगभग 80 मीटर की। तो अपन कह सकते हैं बाउंड्री यहाँ पे दोस्तों सामने वाली बहुत बड़ी है, और स्क्वायर भी दोस्तों कोई ज़्यादा छोटी भी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है मैं कह सकता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यहाँ पर ना इतने ज़्यादा रन्स नहीं बनते हैं, अभी आपको स्टैट्स में दिखाऊंगा, ठीक है। आप खुद कहोगे यार हमें ज़्यादा रन्स नहीं बनते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा नहीं मतलब क्या है, 200 या ऊपर नहीं बनेंगे, जैसे अपने यूनिवर्सिटी ओवल डुनेडिन पे बन रहे थे ऐसा माहौल नहीं बनेगा, ठीक है। ये दोस्तों स्टेडियम है, आप देख सकते हो यहाँ पे ना फुटबॉल के मैचेस भी होते हैं, यहाँ पे AFL भी होता है, मतलब जो उनका वॉलीबॉल वगैरह कुछ अलग सा कुछ रबी रहता है ना, आई मीन वॉलीबॉल तो कहाँ से होगा, ठीक है, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, रबी वगैरह जो मैचेस होते हैं यहाँ पे चलते रहते हैं, ठीक है। और यह यहाँ पे स्टेडियम है, ठीक है, आप देख सकते हो अब, ठीक है। ये देखो दोस्तों बहुत खूबसूरत सा स्टेडियम है विलिंगटन का दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा सीपोर्ट टाइप एरिया है, तो आप देख सकते हो ये स्टेडियम है, ठीक है। पिच की दोस्तों फोटो मिली नहीं, मैंने बहुत मशक्कत करी, करीबन 1-1.5 घंटा लगा दिया हर जगह, तो मिली नहीं दोस्तों, फिर मैं आपको पिच कहाँ से दिखा पाऊँगा यार, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे आपको पिच की फोटो डाल दूँगा अगर मुझे मिलती है तो। अब देखो जो पिच रहेगी ना दोस्तों न्यू रहेगी, एकदम फ्रेश रहेगी, तो अपन कह सकते हैं इक्वल बैलेंस रहेगा बैट और बॉल के बीच के अंदर। और जो वेन्यू ना दोस्तों वेस्ट पार्क स्टेडियम, इसको अपन विलिंगटन रीजनल स्टेडियम भी बोलते हैं, ठीक है, इसके दो नाम है। अब देखो इस स्टेडियम पे ना ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते हैं, और इस वेन्यू के ऊपर दोनों टीम्स ने न्यूजीलैंड ने और ऑस्ट्रेलिया ने ना 2010 के अंदर आपस में खेला था, मैं क्या कह रहा हूँ आपस के अंदर, इस वेन्यू के ऊपर 2010 के अंदर खेला था, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया जीती थी, उस टाइम पर मैथ्यू हेडन माइक हसी ये सब खेला करते थे। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर ना न्यूजीलैंड ने इतिहास के अंदर आज तक 12 मैचेस खेले हैं, 8 जीती है, तो उनका विनिंग रेशियो दोस्तों यहाँ पे अच्छा 75% के आसपास है। वहीं ऑस्ट्रेलिया पे एक मैच खेली एक का ही जीती थी, पर दोस्तों बहुत पुरानी बात है, लगभग 11 साल पुरानी बात है। और जो टीम पहले बैटिंग करती है ना पर दोस्तों लास्ट 3 मैचेस में गए वही जीतती है, ये आपको पता है। जब भी आप देखते हो ना कोई वेन्यू के ऊपर बैटिंग फर्स्ट टीम जीतती है तो आपको समझना है कि पिच दोस्तों बैट्समैन के लिए नहीं है। अगर आप देखते हो और पिचेस को, जैसे आपने मैंने पिछले के वीडियोस बनाए थे, ठीक है, नेशनल स्टेडियम कराची भी मैचेस हो रहे थे, मैं रिलेट कर रहा हूँ दोस्तों, आपको कन्फ्यूज होना है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे आप वो चीज़ क्यों ला रहे हो, तो दोस्तों रिलेट करना बहुत जरूरी है फैंटेसी के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे देखो अभी तक 12 मैचेस हो चुके हैं, 12 के 12 चेस करने वाली टीम जीती है, तो दिखा रहा है बैटिंग ट्रैक है, पर दोस्तों इतना ज़्यादा बैटिंग ट्रैक नहीं रहेगा, वो बात अलग है दोस्तों, कोई बैट्समैन अलग ही कुछ सनक जाए छक्के छक्के मारने लग जाए वो बात अलग है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा दोस्तों रन बिल्कुल ना बनेंगे, एवरेज आपको यहाँ पर एक ओवर के अंदर ना 8 रन दिखेंगे, ठीक है, आप समझते हो ना, एक ओवर के अंदर यहाँ पे कम से कम 8 रन बनते हैं, और यहाँ पे 23 बॉल के अंदर एक विकेट गिरता है इस वेन्यू के ऊपर, मतलब समझते हो 4 ओवर के अंदर यहाँ पे एक विकेट गिरता है इस वेन्यू के ऊपर,
नॉर्मल वेज के ऊपर अपन बात करते हैं। तो लास्ट तीन मैचेस में देखो, स्पिनर्स ने 17 विकेट निकाले, पेसर्स मतलब तेज गेंदबाजों ने 29 विकेट निकाले, एवरेज स्कोर 150-180 बनता दिखेगा। अब देखो पहली पारी के अंदर स्पिनर्स ने 7 विकेट निकाले, दूसरी पारी के अंदर 10 विकेट निकाले, तो अपन कह सकते हैं कि दूसरी पारी के अंदर स्पिनर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है। पहली पारी में दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा यार पहली पारी में इंपॉर्टेंट नहीं है, पर दूसरी पारी के अंदर बोलते हैं ना 49-51 का हो जाता है ऐसा परसेंटेज रेशियो अपन बात करते हैं। अब देखो जो लास्ट मैच वाला 31 जनवरी 2020 को न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का, उस मैच के अंदर 5 विकेट स्पिनर्स निकाले थे, 7 विकेट पेसर्स ने निकाले थे। सन्नी वेदर दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, वीडियो पसंद है दोस्तों लाइक करना है, वरना आप डिसलाइक कर सकते हो, बस वो रहता है ना कि मेरे को सीख मिल जाएगी यार आप लोग पसंद करते हो नहीं करते इस तरीके से ना यार, वो चलता रहता है आपकी मर्जी यार, ठीक है ना। बात करें न्यूज़ की तो न्यूजीलैंड दोस्तों पूरा सॉर्टेड है, ठीक है। ओ मैंने आपसे कहा था दोस्तों मार्टिन गप्टिल एक भी बार 50+ नहीं करा लास्ट 4 मंथ से, भाई ने आते 96 कर दिया था, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात लगी दोस्तों देख के। अब क्या कहा जा रहा है, जो उनके कोच थे एडम, ठीक है, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एस्टन अगर को इस टीम से बाहर करा जा सकता है, इस मैच के लिए डार्ची शॉट और एस्टन टर्नर को बुलाया जा सकता है और यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल ज़्यादा ओवर डाल सकता है, ऐसा कहा गया था, ठीक है, कोच के द्वारा। अब देखते हैं दोस्तों क्या टीम मैनेजमेंट डिसाइड करती है एक रात पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब दोनों टीमें आपस में खेलती है तब क्या होता है, दोनों टीम्स ने आपस में 11 मैचेस खेले, न्यूजीलैंड 4 बार जीती है और ऑस्ट्रेलिया 7 बार जीती है, तो कांटे की टक्कर यहाँ पर रहने वाली ऑस्ट्रेलिया के पास। दोस्तों डेविड वार्नर नहीं है, स्टीवन स्मिथ नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, तो उनकी दिक्कतें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं लाइनअप्स की, तो आपको सबसे पहले बताऊंगा ये होम ग्राउंड किसका है। ये दोस्तों डेवन कॉनवे का होम ग्राउंड है, हेमेश बेनेट का होम ग्राउंड है, जेम्स नीशम का होम ग्राउंड है, समझते हो होम ग्राउंड मतलब यहाँ पे इस डोमेस्टिक टीम के लिए खेलते हैं, वेलिंगटन के लिए, वेलिंगटन फायरबर्ड्स है ना उस टीम के लिए। अब देखो मार्टिन गप्टिल ओपनिंग करेंगे टीम शेफर्ड के साथ, फिर आएंगे यहाँ से केन विलियमसन, इन पे दोस्तों हमेशा गिव अवे रखता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर यार, इतना स्मार्ट खिलाड़ी यार, मतलब कि एकदम काम खिलाड़ी, धोनी का दिन का दूसरा वर्जन कहा जाता है। अब देखो हैशटैग लिखना है, स्टैट्स गुरुजी आपको लिखना है, ठीक है, और आपको कमेंट करना है यहाँ पे KW होता है केन विलियमसन कितने रन बनाएंगे, 50 रुपीज़ का गिव अवे दोस्तों को कमेंट करना है, और जो लोगों को लगता है कि गिव अवे नहीं मिलता वो दोस्तों मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको पूरा पिछले मंथ का पेमेंट रिसिप्ट भेज दूंगा, क्योंकि यार जो काम करते हैं उसके साथ दोस्तों धोखा नहीं करना लाइफ के अंदर, ठीक है। मुझे आज आपने इस मुकाम तक पहुँचाया तो मैं आपके साथ दोस्तों यहाँ पे क्यों कभी धोखा करूँगा, आप सोच के देख रहे हैं यार खुद बार, अगर आप खुद कांच के सामने जाओगे एक दिन लाइफ के अंदर, आप कोई काम कर रहे हो और आपको वहाँ पे लगता है यार मैंने धोखा करा, तो दोस्तों आप खुद अपने आप को फेस नहीं कर पाओगे कांच के अंदर, तो दोस्तों मेरे को ऐसा कभी नहीं करना है। जब आएंगे ऐसे डेवन कॉनवे टू डाउन खेलते हैं, ग्लेन फिलिप्स आएंगे, जेम्स नीशम आएंगे, मिचेल सैटनर आएंगे, यश शोडी आएंगे, ट्रेंट बोल्ट, टीम साउदी, काले जेम्सन को दोस्तों रिप्लेस कर सकते हैं, हेमेश बेनेट हाई चांसेस है। अब देखो चार और कौन डालेगा, मिचेल सैटनर, ट्रेंड बोल्ड, टीम साउदी, काली जिमसन, इस शोडी का दोस्तों कभी कंफर्म नहीं रहता लेकिन डाल सकते हैं मेरे हिसाब से, जेम्स निशम का दोस्तों मुश्किल से एक या दो ओवर मिलता है। अब चलते हैं यहाँ पे किसकी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो यहाँ पे चिंता थोड़ी सी बढ़ गई है, पर जॉर्ज बेली ने ना बैक करा है किसको, एरन फिंच को, उन्होंने कहा दोस्तों ये कैप्टनसी करेंगे, ठीक है, जॉर्ज बेली इनके आई थिंक बैटिंग वगैरह कुछ कोच है, कंसल्टेंट वगैरह कुछ देते हैं इनको, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को, वो भी अभी न्यूजीलैंड के अंदर ही, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जॉर्ज बेली ने कि एरन फिंच कैप्टनसी भी करेंगे और खेलेंगे भी यार, तो उनको कॉन्फिडेंस दिया, देखते हैं क्या होता है इस बार। मैथ्यू वेट आएंगे, जो स्लिपे आएंगे, मिच मार्श टू डाउन, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस, डार्ची शॉट दोस्तों आ सकते हैं, या फिर यहाँ से एस्टन टर्नर भी आ सकते हैं, मेरे हिसाब से टर्नर को ज़्यादा चांस मिल सकता है क्योंकि वो वैसे ही मिडल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करते हैं। डैनियल सैम्स आएंगे, जैरेड रिचर्डसन, एडम जैम्पा, केन रिचर्डसन, अब देखो डैनियल सैम्स हो गए, जैरेड रिचर्डसन होंगे, एडम जैम्पा होंगे, केन रिचर्डसन, इस टीम के सबसे प्रमुख गेंदबाज है, ठीक है ना, और जो बचेंगे चार ओवर कौन डालेगा, ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोनिस डालेंगे, ठीक है, और अगर डार्ची शॉट खेलें तो वो भी डाल सकते हैं। अब चलेंगे दोस्तों, जब दोनों टीमें आपस में खेलती है तब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टैट्स है, तो पहला फैक्ट क्या है, पहला फैक्ट ये है कि मार्टिन गप्टिल और केन विलियमसन ने ना T20 के अंदर जब ये दोनों आपस में खेलते हैं, एक साथ खेलते हैं ना, पार्टनरशिप बनाते हैं, तो दोनों की 52 की एवरेज रहती है और 1800 के आसपास रहते हैं T20 के अंदर, ये ना न्यूजीलैंड के अंदर सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप मानी जाती है, ठीक है, और वर्ल्ड के अंदर दोस्तों फोर्थ हाईएस्ट पार्टनरशिप है T20 करियर के अंदर। अब देखते हैं स्टैट्स के ऊपर, ठीक है, अब देखो जब दोनों टीम आपस में खेलती है तब क्या होता है, मार्टिन गप्टिल जब खेलते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, तो उसके 9 मैचेस के अंदर 314 रन है, हाईएस्ट 105 है, उमदा बैटिंग करते हैं, 35 के एवरेज है। टीम शेफर्ड आएंगे 12-3-1-3 चार मैचेस में ऐसा करा है, पहली पारी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, टीम शेफर्ड दोस्तों लेफ्ट आर्म पेसर्स को बहुत बुरा मारते हैं लेकिन राइट ही पेसर्स होते हैं ना, जैसे जैरेड रिचर्डसन, केन रिचर्डसन, उनके सामने अटकते हैं। आएंगे यहाँ से केन विलियमसन, 6 मैचेस के अंदर 18 की एवरेज है, 107 रन है, हाईएस्ट 53 है, ठीक ठाक बैट्समैन दोस्तों, पिछले मैच के अंदर बहुत अच्छी पारी खेली थी। डेवन कॉनवे आएंगे यहाँ से, 99 नॉट आउट, 2 करा है, तो इस भाई साहब की 101 की एवरेज है 2 मैचेस के अंदर, पहली पारी के अंदर बैटिंग करते तो बहुत इंपॉर्टेंट, जब टॉप ऑर्डर खेलता है ना तभी जाके बैटिंग करता है, ठीक है। तो 2021 के अंदर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसने ना सुपर स्मैश कप खेला था थोड़े दिन पहले, ये आपको रिसेंट फॉर्म दिखाएगा, जो आपको 2021 दिख रहा है ना सर, इनका रिसेंट फॉर्म है, ठीक है, 2021 के अंदर इसने 9 मैचेस खेले थे, 388 रन, 65 की एवरेज थी, रिसेंट फॉर्म है। ग्लेन फिलिप्स ने ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट में 30 और 8 करा 2 मैचेस के अंदर,
और ये बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं दोस्तों, 7 से लेकर 15 ओवर के बीच के अंदर, मतलब बहुत बुरा मारते हैं। निशम आएंगे 26 करा 45 नॉट आउट, 2 विकेट निकाला। आएंगे यहाँ से फिर मिचेल सैटनर, 5 मैचेस में 8 विकेट है, स्मार्ट बॉलर है दोस्तों, बहुत ही उमदा बॉलिंग कराते हैं। सूडी भाई साहब आएंगे 6 मैचेस में 8 विकेट है, ट्रेंट बोल्ट का 5 में 5 है, टिम साउदी का 7 में 6 विकेट है, कैली जॉनसन का 2 मैचेस के अंदर 1 विकेट है। आएंगे यहाँ से हैमेश बैनर्ट, इस टीम के अगेंस्ट में आज तक कभी नहीं खेला, लेकिन इनका रिसेंट फॉर्म है कि 9 मैचेस में 10 विकेट था, तो इतना खास फॉर्म नहीं है लेकिन ठीक ठाक खिलाड़ी है। अब देखो स्टार्टिंग और कौन डालेगा, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, अगर हैमेश बैनर्ट खेलते हैं तो कायले जिमिसन को रिप्लेस कर सकते हैं स्टार्टिंग ओवर के अंदर। और देखो डेथ ओवर में ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, कायले जिमिसन खेलते हैं तो वो, वरना हैमेश बैनर्ट। अब चलेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है। जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू वेड खेलते हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, तो 12 और 24 करें, हर मैच में स्टार्ट ले लेते हैं, अच्छे टच में दिखते हैं, फिर आउट हो जाते हैं। ये पहली बारी के अंदर ना बहुत बुरा मारते हैं, दूसरी बारी के अंदर इनकी एवरेज आधी हो जाती है 18 की। अब देखो एरन फिंच आएंगे, इनका दोस्तों रिसेंट फॉर्म ना बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा है यार, कसम से आपसे वही कहूँगा, ये बंदा पता नहीं कब फॉर्म में आएगा यार, मेरे को बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ कब फॉर्म में आए, ठीक है। 36, 18, 1, 13 4 मैचेस के अंदर 36 की एवरेज है। बिग बैश लीग के अंदर देखो 13 मैचेस में 14 की एवरेज थी मात्र, 179 रन था, ठीक है। और गूगली के सामने देखो कितना स्ट्रगल करता है, जो गूगली बॉल आती है ना, गूगली मतलब कि स्पिन बैट्समैन को लगता है यार लेग स्पिन आएगी, ऑफ स्पिन हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं गूगली। तो देखो क्या हुआ, जो फिंच भाई साहब है ना, इज डिसमिस्ड एवरी 7 गूगलीज फेस्ड एवरेज ऑफ 9.5। इसका मतलब क्या हुआ, इस भाई साहब की एवरेज है 9 के आसपास है ना, और ये हर 7 में से 1 बॉल के अंदर डिसमिस होता है गूगली की। जो फिलिपे आएंगे 2 करा 45 करा, बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड चेसिंग। फिर आएंगे ऐसे ग्लेन मैक्सवेल, 6 मैचेस के अंदर 29 की एवरेज, 117 रन, 40, 2 विकेट है, ठीक ठाक खिलाड़ी दोस्तों। अगर बॉलिंग करा सकता है, अगर एस्टन एगार बार हुए ना, तो ज्यादा ओवर डाल सकते हैं। मार्कस टोनिस 5 मैचेस में 90 है ना, 2 विकेट, उमदा परफॉर्मेंस था दोस्तों। पिछले मैच के अंदर इसने मैच निकाल ही लिया था, लगभग 70 की पारी थी, लगभग इनकी मैच मार्च 24-45-0। फिर आएंगे यहाँ से डैनियल सैम्स 2 विकेट, फिर यहाँ से 1 विकेट, 41 की पारी थी, और बहुत ही शानदार दोस्तों, अपने स्लोअर वंस के लिए बहुत पॉपुलर है ना, अपनी 41% बॉल करियर के अंदर स्लोअर वन डालते हैं, और उसमें से ना इसको हर 41% वाली बॉल के अंदर 10 बॉल के अंदर इसको विकेट मिलता है। कहने का मतलब क्या, अगर ये अपने करियर के अंदर 100 बॉल डाला हो ना आज तक, तो उसकी 41% मतलब 41 बॉल रहती है जो स्लो रन रहती है, इस 41 में से इसकी 10 बॉल तो विकेट निकालती है, समझ गए ना लॉजिक। एस्टन एगार 6 में 5 विकेट है, जैड जेटसन का तफन कह सकते हैं 3 विकेट है 2 मैचेस के अंदर। फिर आएंगे यहाँ से जैड जेटसन, ये दोस्तों लेफ्टीज को बहुत परेशान करते हैं, आप देख लो लेफ्टीज के सामने ना 15 की एवरेज है, जो इसके सामने मतलब बैटिंग करते हैं ना लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और जो राइटी बैटिंग करते हैं उसको बहुत मारते हैं, 40 की एवरेज है। एडन जैम पाएंगे 4 मैचेस में 2 विकेट है, केन रिचर्डसन का 5 में 7 विकेट है। केन रिचर्डसन ना दोस्तों पूरा का पूरा पहली पारी वाला प्लेयर है, मतलब फर्स्ट इनिंग्स के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग कराता है, ठीक है। आप ये रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हो, बिग बैश लीग का एस्टन टर्नर का, बैन मैकडरमॉन्ट का, जेसन मेंडोफ ने 16 में 16 विकेट निकाला था बिग बैश लीग के अंदर, रिले मैडी ने 13 में 16 विकेट निकाले थे, रिसेंट परफॉर्मेंस है। अब देखो जैड रिचर्डसन स्टार्टिंग ओवर डालते हैं, डैनियल सैम्स डालते हैं, केन रिचर्डसन डालते हैं, डेथ ओवर में जैड रिचर्डसन, केन रिचर्डसन, डैनियल सैम्स। यहाँ पे बात करें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट जिसका आप सबको वेट था यार, यहाँ पे वैन स्टैट्स का, ठीक है, बहुत ही शानदार स्टैट्स है, ठीक है। मार्टिन गप्टिल ने यहाँ पे क्या करा है, मार्टिन गप्टिल ने ना इस स्वेनी के ऊपर सबसे ज़्यादा बॉल फेस करी है 275, सबसे ज़्यादा रन दोस्तों इसी के स्वेनी के ऊपर पूरे इतिहास के अंदर 340 रन। सब देखो मार्टिन गप्टिल ने यहाँ पे मैचेस भी ज़्यादा खेल रखे हैं, 11 मैचेस के अंदर 340 रन है, 34 की एवरेज है। अब देखो मैंने क्या करा है, स्टैट्स को ना 2 पार्ट में डिवाइड करा है, पहली पारी के अंदर देखो 65 करा है, 59 करा है, 42 करा है, 41 करा है, 30 करा है। मतलब भाई साहब जब ये पहली पारी के अंदर बैटिंग करता है ना मार्टिन गप्टिल, तो हर बार 30 प्लस करता है पहली पारी के अंदर। वहीं दोस्तों दूसरी पारी के अंदर बस एक मैच को छोड़ दो आप, ठीक है, 78 नॉट आउट हो तो दोस्तों इनकी यार काबिले तारीफ मैच विनिंग नॉक, ठीक है। ये देखो 10, 8, 4, 2, 1, तो आप ये देखो लास्ट इसकी यहाँ पे 5 इनिंग्स वाइल्ड चेसिंग थोड़ा अटकता है। मैंने कह रहा दोस्तों क्या पता एक और ऐसी 78 की पारी आ जाए दूसरी पारी के अंदर, लेकिन जो स्टैट्स है दोस्तों आपके सामने यार आप खुद डिसाइड कर सकते हो। मैं बस आपको कहूँगा कि ये पहली पारी के अंदर यहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं, दूसरी पारी में भी अच्छा करते हैं, मैंने कह रहा दोस्तों एकदम खराब करते हैं। अब देखो ओडीआई के अंदर यहाँ पे कह रहा है, ओडीआई के अंदर ना इसने यहाँ पे बहुत मैचेस खेले हैं, 11 मैचेस में 402 रन है, और आपको बहुत बड़ी बात बताऊंगा, इस भाई साहब ने मार्टिन गप्टिल ने इस वेन्यू के ऊपर 200 बनाया था ना ओडीआई के अंदर, इसी वेन्यू के ऊपर बनाया था जो उन्होंने इनका पहला दोहरा शतक था ना इसी वेन्यू के ऊपर बना था, ठीक है। अब देखो टीम शेफर्ड आएंगे 5 मैचेस में 177 रन से स्वेनी के ऊपर 59 की एवरेज है, पहली पारी के अंदर 84 करा, 16 करा, 14 नॉट आउट, 6 नॉट आउट, दूसरी पारी के अंदर 57। तो इस स्वेनी के ऊपर दोस्तों मैं हाईलाइट्स देख रहा था ना, तो इतने उमदा शॉट्स मारे थे इस बंदे के, काबिले तारीफ फॉर्म पे बैटिंग थी, बस इसको राइटी बॉलर से बच के रहना, जैसे जेड रिचर्डसन, केन रिचर्डसन। आएंगे यहाँ से केन विलियमसन 72, 34, 33, और यहाँ से 24 करा है, 24 की पारी आई थी इसकी 6-17 पे। ओडीआई के अंदर यहाँ पे हाईएस्ट रन स्कोर है स्वेनी के ऊपर ओडीआई के अंदर, मैं रिपीट करता हूँ, इट इज़ ओडीआई, 9 मैचेस के अंदर 68 की एवरेज है,
500 के आसपास रन है। डेवन कॉनवे आज तक कभी नहीं खेले, क्यों? क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पर बस प्रैक्टिस करने आते हैं, इनका होम ग्राउंड इसका मतलब ही नहीं हुआ। इनका होम ग्राउंड एक तरीके से बेसिन रिजर्व होगा, ठीक है, पर ये विलिंगटन के ही खिलाड़ी हैं एक तरीके से, तो मैंने यहाँ पे होम ग्राउंड आपको मेंशन करा था। यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, नेट सेशन करते हैं आके। ग्लेन फिलिप्स 11 बॉल के अंदर यहाँ पे 3 करा है। जिमी निशम ने यहाँ पे 42 करा था, 14 नॉट आउट करा था 2 मैचेस के अंदर। ओडिया के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे 3 मैचेस के अंदर 2 विकेट है, 91 रन है। मिचेल सैटन ने यहाँ पे 7 मैचेस में 10 विकेट निकाला है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बॉलिंग कराते हैं। 109 रन इसके ओडिया के अंदर है, 4 में 4 विकेट है। अब देखो पहली पारी के अंदर इसने क्या करा, मैंने क्या करा कि 10 विकेट निकाले हैं इसने यहाँ पे T20 के अंदर 7 मैचेस में, तो किस तरीके से निकाला है? अब देखो पहली पारी के अंदर इसने क्या करा, 2 विकेट 1 विकेट, तो पहली पारी के अंदर इसने कुल मिला के 3 विकेट निकाला। वहीं दूसरी पारी के अंदर देखो इसने क्या करा है, 3 विकेट 2 विकेट फिर 2 विकेट है, तो आप समझ सकते हो इसने दूसरी पारी के अंदर ना यहाँ पर 7 विकेट निकाले हैं। तो कितने मैचेस हो गए, 1 2 3 4 5, ये ना 7 में से 5 मैचेस में कुछ ना कुछ यहाँ पे करा है, और 2 मैचेस में दोस्तों कुछ नहीं करा था, समझ गए ना लॉजिक। रहेंगे इशोरी, यहाँ पर 5 मैचेस में 9 विकेट है और सारे के सारे इसने दूसरी पारी के अंदर निकाले थे, और ओडीआई के अंदर यहाँ पे 1 मैच के अंदर 3 विकेट है। ट्रेंड बोल्ट आएंगे यहाँ पर, ये देखो 3 मैचेस के अंदर 3 विकेट ओडीआई के अंदर, और तीनों के T20 के अंदर, ये ऊपर वाले T20 के साइड से, और सेकंड इनिंग्स के अंदर सारे विकेट निकाले थे उसने 3 के 3। ओडीआई के अंदर यहाँ पे क्या करा है, 7 में 14 है। टीम सऊदी दोस्तों यहाँ पे 7 में 14 विकेट है, ठीक है, T20 के अंदर, मैं रिपीट करता हूँ, और ये हाईएस्ट विकेट टेकर है सोनी के ऊपर, और इसने सेकंड मोस्ट बॉल यहाँ पे करी है, मतलब ऐसा बॉलर है T20 के अंदर सोनी के ऊपर जो सबसे ज़्यादा बॉलिंग करा हो, सबसे ज़्यादा बॉल फेंका हो, वो सेकंड नंबर पे इनका रैंक आता है। फिर देखो यहाँ से जो यहाँ पर इशोडी ने क्या करा है, पहली पारी के अंदर 8 विकेट निकाला है सोनी के ऊपर, दूसरी पारी में 6 विकेट निकाला। ओडीआई के अंदर दोस्तों यहाँ पे क्या ही स्टैट्स है भाई के, 9 मैचेस में 25 विकेट है टीम सऊदी ओडीआई के अंदर। कैलिंगसन 2 में 3 विकेट है, मार्क चैपमैन का आप देख सकते हो। हैमज बैनर ने दोस्तों यहाँ पे T20 करियर के अंदर 2 विकेट 1 विकेट निकाला है, 41 रन देखे 24 रन देखे। ओडीआई के अंदर 1 मैच में 3 विकेट है। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों यहाँ पर नहीं खेली है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ओडीआई खेल रखा है, ठीक है। ओडीआई के अंदर क्या करा है, मैथ्यू वेट ने 2 करा, एडम जैम्पे ने 2 विकेट निकाला, और यहाँ से ग्लेन मैक्सवेल ने 6 रन और 0 विकेट करा था। प्लेयर बैटल की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है। देखो मार्टिन गप्तिल का स्ट्रगल है, एडम जैम्पा के सामने थोड़ा सा अटकते हैं कभी कभी, मैक्सी के सामने दोस्तों अटक जाते हैं, वरना दोस्तों डैनियल सिम्स के साथ इनका तो पुराना रिश्ता है। 15 बॉल के अंदर 10 रन है, 2 बार आउट हो चुके हैं, दोनों को दोनों पहली पारी के अंदर इसको चलता करा है। टिम शेफर्ड आएंगे यहाँ से, इनका स्ट्रगल है, एस्टन अगर के सामने शायद ही खेलेंगे, यार देखते हैं। जेट जर्सन 2 मैचेस के अंदर 1 विकेट है, अगर दोस्तों एस्टन अगर खेलते ना तो अपने को प्रूफ करने के लिए खेलेंगे, तो उसमें वो विकेट्स निकाल के दे सकते हैं अपनी टीम को। केन रिचर्डसन 1 बॉल के अंदर इनको आउट करा है, एंड यहाँ से केन विलियमसन इनका स्ट्रगल, एडम जैम्पा के सामने 4 बार आउट हो चुके हैं 76 बॉल के अंदर, मात्र 56 रन है, और तीनों बार इसको मतलब 4 बार तो आउट करा है, उसमें से 3 बार तो उसको पहली पारी के अंदर चलता करा है। एस्टन एगार आएंगे यहाँ पर, 13 बॉल के अंदर 1 बार आउट करा है केन रिचर्डसन ने दोस्तों, केन विलियमसन को 18 बॉल के अंदर 1 बार आउट करा है। ग्लेन मैक्सवेल ने यहाँ पर केन विलियमसन को 7 बॉल के अंदर 1 बार आउट करा है। सैम्स ने 12 बॉल के अंदर 1 बार आउट करा है। डेवन कॉनवे केन रिचर्डसन के सामने स्ट्रगल है, 18 बॉल के अंदर 35 रन 1 बार आउट रन। ग्लेन फिलिप्स आएंगे, इनका स्ट्रगल है, मार्कस स्टोनिस के सामने 2 बॉल के अंदर 2 रन है, और जे रिचर्डसन के सामने भी स्ट्रगल है, 6 बॉल के अंदर 7 रन 1 बार आउट है। निशम का स्ट्रगल है, जे रिचर्डसन के सामने 5 बॉल के अंदर 9 रन है 1 बार आउट रन। मिचेल सैटन का स्ट्रगल है, एडम जैम्पा के सामने 6 बॉल के अंदर 1 बार आउट है। केन रिचर्डसन के सामने 14 बॉल के अंदर 14 रन बना के 1 बार आउट है। फिलिपी भाईसाहब का स्ट्रगल है, ट्रेंट बोल्ट के सामने जोस फिलिपी का, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मतलब जो जोस फिलिपी ना वो थोड़ा सा यहाँ पे अटकते हैं ट्रेंट बोल्ट के सामने। फिर आएंगे यहाँ से मैथ्यू वेड, इनका स्ट्रगल है यहाँ पे किसके सामने, ट्रेंट बोल्ट के सामने 30 बॉल के अंदर 2 बार आउट हुए। मिचेल सैटनर यहाँ पर देख रहे हो, मतलब ट्रेंट बोल्ट ने मैथ्यू वुड का आउट कराया, लॉजिक वाली बात है ना यार। फिर यहाँ से आएंगे मिचेल सैटनर, इन्होंने मैथ्यू वुड को 15 बॉल के अंदर 2 बार आउट कराया। टीम सऊदी ने मैथ्यू वुड को 12 बॉल के अंदर 4 रन देकर 1 बार आउट कराया। एरन फिंच दोस्तों यहाँ पे सबसे खफा है, एक तो ट्रेंट बोल्ट ने 58 बॉल के अंदर 5 बार आउट कराया, टीम सऊदी ने उनको 79 बॉल के अंदर 2 बार आउट कराया, मिचेल सैटनर ने 27 बॉल के अंदर 2 बार आउट कराया, और यहाँ पर इशोडी ने इनको 1 बार आउट कराया। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये पहली पारी के अंदर ट्रेंट बोल्ट के सामने 5 में से 3 बार फंसे, और मिचेल सैटन में 2 में 2 बार फंसे हैं पहली पारी के अंदर। ग्लेन मैक्सवेल का स्ट्रगल यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट के सामने 4 बार आउट हुए, 31 बॉल के अंदर 29 रन है। टीम सऊदी को 46 बॉल के अंदर 2 बार आउट कर चुके हैं ग्लेन मैक्सवेल को, और दोनों बार दूसरी पारी के अंदर आउट करा है। ट्रेंट बोल्ट ने भी दोस्तों को 4 में से 3 बार तो दूसरी पारी के अंदर आउट करा है। निशम भाई साहब ने 1 बार आउट करा है। फिर यहाँ से मिचेल सैटन ने भी दोस्तों को दूसरी पारी के अंदर 2 बार आउट करा है। फिर शोडी ने भी 2 बार आउट करा है। मार्कस स्टोनिस यहाँ पे दोस्तों एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लंबी पारी खेल सकते हैं आप, इनका स्टार्ट देख सकते हो। मिच मार्श का आप देख सकते हो प्लेयर बैटल, ठीक है। अब देखते हैं कॉमन कट में दिखेंगे केन विलियमसन, डैनियल सैम्स, ग्रैंड लीग में उसको बनाना है। अब बनाओ दोस्तों केन विलियमसन को, ग्लेन मैक्सवेल को, और दोस्तों ऐसे टीम शेफर्ड स्पेशल रहेंगे। मैथ्यू वुड दोस्तों अगर बैट फर्स्ट करते हैं तो स्पेशल है, जूस फिलिपी दोस्तों बैट सेकंड करते हैं तो स्पेशल रहेंगे। अब थोड़ा सा अलग जाना है, मैं आपसे वही कहूँगा, जो अपने एरन फिंच है ना वो दोस्तों मार्टिन गप्तिल की तरह
एक लंबी पारी खेल सकते हैं अगर उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल गया, एक दो शॉट्स इनके अच्छे लग गए और बॉल मिडल हो गई, नेट सेशन तो दोस्तों का अच्छा गया था, मतलब जो उनके कोच थे वो बोल रहे थे यार ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे नेट्स के अंदर, तो एरन फिंच, वैसे दोस्तों मार्टिन गप्तिल है ये भी बहुत बुरा मार सकते हैं, दो ऐसे खिलाड़ी दोस्तों ने क्रिकेट जगत के अंदर ना 2-3 साल पहले बहुत नाम था, एरन फिंच और मार्टिन गप्तिल। देखते हैं इस मैच में क्या करते हैं, डेवन कॉनवे तब ट्राई करना जब टॉप ऑर्डर में से किसी एक या दो प्लेयर को ड्रॉप करोगे न्यूजीलैंड के, ठीक है। वीडियो पसंद दोस्तों लाइक करना, आप डिसलाइक कर सकते हो आपकी मर्जी दोस्तों, पूरी मैंने दोस्तों आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पर मेरे कैप्टन केन विलियमसन वेस्ट इंडीज दोस्तों टीम शेफर्ड को रखा है, मार्टिन गप्तिल, एरन फिंच को दोस्तों फिर से बैक कर रहा हूँ। अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे भाई आपका एरन फिंच के साथ कुछ पुराना रिश्ता है क्या, तो मैं कहूँगा दोस्तों कि मैं जस्ट एक मैच का वेट कर रहा हूँ, ये भाई कब चलेगा, देखते हैं क्या होता है। आप हटा सकते हो दोस्तों, लॉजिक के साथ खेल रहे तो आप हटा सकते हो, ठीक है, क्योंकि बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, आप यहाँ पे ले सकते हो इजीली किसको, यार अपना जो बढ़िया बैट्समैन है मार्कस स्टोनिस आप इसको ले सकते हो, ये ज़्यादा सेफ रहेगा क्योंकि मार्कस स्टोनिस ओवर भी डाल सकते हैं, सेफ खेलना है दोस्तों तो मार्कस स्टोनिस मस्ट, ठीक है। डैनियल सैम्स, केन विलियमसन, जैड जेसन, टीम साउदी इशोडी को लिया है, मैंने बताऊँ क्या ऑब्जर्व करा था दोस्तों इस मैंने के ऊपर ना, मिचेल सैटन और इशोडी जब साथ में बॉलिंग कराते हैं तो विकेट थोड़े बहुत निकाल लेते हैं, ठीक है, जी जो मैंने ऑब्जर्व करा था। टीम साउदी ठीक है दोस्तों, ट्रेंड बोल का देखते हैं क्या होता है इस मैच के अंदर, वो भी दोस्तों एक रेपुटेड खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अब देखो ग्राइंड की तरह करना है, कैसे दोस्तों आपको प्लेयर्स को रोटेट करना है, कैसे दोस्तों आपको फैसला लेना है, कौन से प्लेयर को आपको पिक करना है, तो देखो यहाँ से मैथ्यू वेड मैंने कुछ समझा दिया था, ये दोस्तों अच्छे टच में दिख रहे हैं, दोनों मैचेस के अंदर मुझे अच्छे टच में दिख रहे हैं, ठीक है। दिक्कत क्या थी ये ना, और दोनों बार कैसे आउट हुए कि जो मिड ऑफ रहता है ना ये पिच हो गई, ठीक है, ये अपना जानते हो ना सर्कल हो गया, फिर ये हो गया अपना दोस्तों बाउंड्री, तो यहाँ पे ये रहता है ना 38 सर्कल, उसके अंदर दोस्तों कैच दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मिड ऑफ की तरफ, मिड ऑफ बोलते हैं यहाँ पे जो खड़ा रहता है ना, ये देखो, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा खिलाड़ी देखते हैं दोस्तों क्या करता है, पहली पारी के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टिम शेफर्ड दोस्तों ठीक ठाक खिलाड़ी है, स्वैनी के ऊपर अच्छा करते हैं, अच्छी नॉक्स खेल चुके हैं। जोश फिलिपी दोस्तों दूसरी पारी के अंदर बहुत अच्छा करते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व करा वैसे दोस्तों जोश फिलिपी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, मार्कस स्टोनिस देखने लगे रहेगा दोस्तों किस तरह से उस मैच में कन्वर्ट करता है। केन विलियमसन इंपॉर्टेंट है, मार्टिन गप्तिल दोस्तों ठीक ठाक करते हैं, डेवन कॉनवे तब ट्राई करना जब न्यूजीलैंड की तरफ से टिम शेफर्ड, मार्टिन गप्तिल या तो केन विलियमसन से किसी एक या दो प्लेयर को ड्रॉप करोगे तब लेना है इस बंदे को, लॉजिक के साथ खेलना, ठीक है। एरन फिंच देखते हैं क्या होता है दोस्तों, 50-50 प्लेयर्स की कोई गारंटी नहीं है चले या ना चले। ग्लिम्सेस पहली पारी के अंदर इंपॉर्टेंट है, मिची मार्श दोस्तों चेस टाइम पे बहुत बुरा मारते हैं, फिर यहाँ से निशम, इनको दोस्तों आप कौन सी भी पारी के अंदर लेके जा सकते हो, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर ही देते हैं। डैनियल सैम्स दोनों पारी में इंपॉर्टेंट है, बैटिंग कर लेते हैं। मिचेल सैटन दोस्तों आई थिंक दोनों पारी में इंपॉर्टेंट रहेंगे, नेक्स्ट वीक दोस्तों डिफरेंशियल पिक फॉर द ग्रैंड लीग बनते हैं एक दो टीम्स के अंदर, ठीक है। फिर आएंगे यहाँ से जैड जेसन, ठीक ठाक है दोस्तों दोनों पारियों के अंदर, टीम साउदी ठीक ठाक है, पहली पारी के अंदर ज़्यादा स्पेशल है इशोडी दोस्तों, दोनों पारी के अंदर इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली दूसरी पारी के अंदर इशोडी इंपॉर्टेंट है। ट्रेंट बोल्ट देखने लायक है दोस्तों कैसे क्या करते हैं। केन विलियमसन पहली पारी के अंदर बॉलिंग कराती है ऑस्ट्रेलिया तो आप लेना वरना मत लेना। एडन जेम्पा दूसरी पारी के अंदर इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया पहले दूसरी पारी के अंदर बॉलिंग कराती है तो, ठीक है। और दोस्तों कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा, आपको करना है क्या, सिंपली सर्च करना है स्टार्ट गुरु जी, या फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करके दे दूंगा। तो देखते रहिए स्टार्ट गुरु जी, जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान।